दोस्तों वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हियर वी आर डिस्कसिंग द अनदर केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एसआर मुंबई वर्सेस इंडियन यूनियन। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले भी हम लोगों ने दो वीडियो अपलोड किए हैं, केशवानंद भारती एंड गोलकनाथ। वो जो रिलेटेड थे वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड थे, मतलब उसमें संपत्ति के आधार पे जो जो केस हुए हैं उनसे रिलेटेड थे। आज हम लोग जो ये केस लेकर के आए हैं एसआर मुंबई, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ों के बारे में बात की थी, संघात्मकता और जो आर्टिकल 365 के थ्रू जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है किसी भी राज्य में, उसके बारे में कुछ कुछ इसमें जो स्टोरी है उसको हम लोग समझेंगे। आइए इस पूरे केस को और इसके टेक्निकल थिंग्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग इसके एक शॉर्ट हिस्ट्री बैकग्राउंड को देखते हैं। तो देखिए, कहानी ये है कर्नाटका का। कर्नाटका के एसआर मुंबई जो थे, एसआर मुंबई साहब जो थे, इनकी जनता पार्टी और एक लोकदल पार्टी, ये दो पार्टी मिलकर के 1988 में इन्होंने एक जब वहाँ इलेक्शंस हुए, वहाँ के विधानसभा जब इलेक्शंस हुए तो कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आ पाई, तो एसआर मुंबई की आपकी जनता पार्टी और एक और जो पार्टी थी जिसके साथ इनका गठबंधन करना था वो लोकदल पार्टी, ये दोनों गठबंधन कर अपने सरकार को बनाना चाह रहे थे कर्नाटका में। 1988 की कहानी है ये। हाँ, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब ये सरकार बनाने में सफल रहे और उस सरकार के जो सीएम रहे वो एसआर मुंबई साहब रहे, ठीक ना, लेकिन उस टाइम जो इंडिया का जो स्टेटस था उस टाइम लगभग यहाँ पे क्या थे, कांग्रेस की सरकार लगभग जहाँ पे थी और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि हम कहीं से हटे। लेकिन द इंसिडेंट जो कि 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया और बहुत सारे ऐसे चीज जो कि इंदिरा गांधी के बारे में देखने के लिए मिला, उसके बाद लोग अवेयर हो गए और कांग्रेस बहुत सारे राज्यों से हटने लगा, यही कारण था। अब केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार थी लेकिन बहुत सारे राज्यों में से कांग्रेस की सरकार हटने लगी थी, वहाँ पे राज्य सरकार जो वहाँ की लोकल सरकारें थी, जो लोकल पार्टीज थी, उनका उद्भव होने लगा था। तो उन्हीं उसी तरह का यहाँ पे कुछ मैटर था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार और फिर यहाँ पे कर्नाटका में जनता दल और ये आपका ये लोकदल पार्टी, दोनों ने मिलकर के जनता दल पार्टी बना ली थी। तो ये रहा कहानी। अब देखिए, जब ये मुख्यमंत्री बन गए और तब इनके एक विधायक थे वो गए राज्यपाल के पास और राज्यपाल के पास जाकर के एक लेटर दिया। उस लेटर में क्या था मेरे दोस्तों, वो जानिए। उस लेटर में था कि हम जो ये सरकार है, कौन सी सरकार, एसआर मुंबई साहब की सरकार, ठीक है ना, एसआर मुंबई साहब की जो सरकार है उसके कार्यों से हम लोग मतलब संतुष्ट नहीं है, ठीक है ना, संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम त्याग पत्र देते हैं। और उसमें सिर्फ वो एक विधायक नहीं, उसके साथ साथ 19 विधायकों का त्याग पत्र था मेरे दोस्तों। और ये 19 विधायकों का त्याग पत्र देख राज्यपाल को ये डिसीजन लेना पड़ गया कि यहाँ क्या हो रहा है, कि ये जो सरकार है ये अपना बहुमत खो रही है, यानी ये अविश्वास के संदर्भ में बात हो रहा है कि यहाँ पे जो सरकार थी जनता दल उसका जो है मेजॉरिटी घट रहा है और वो सरकार बनाने के काबिल नहीं रहा, और यदि ऐसे में सरकार बना रहा तो ये असंवैधानिक घोषित होगा। इसीलिए उस टाइम के जो राज्यपाल थे पी वेंकटेश, इस तरह कुछ नाम था, मैं पूरी तरह से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ पी वेंकटेश था आई थिंक। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये जो याचिका जो 19 विधायकों की जो इस्तीफा था, पत्र था, उसको देख करके और जो कारण थे उसको देख करके एक नोटिस तैयार, एक एप्लीकेशन तैयार किया, नोटिस तैयार किया, उसको उन्होंने भेज दिया राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति तो ठहरे भाई संविधान के रक्षक, और ये हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि जहाँ पे मेजोरिटी कोई भी पार्टी खोती है, द पॉइंट वेयर एनी पार्टी लूज देयर मेजोरिटी दे आर डिस्क्वालीफाइड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, और वो वहीं पे क्या होते हैं,
डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो उस लायक नहीं रहते कि वो सरकार को चला सके। राष्ट्रपति ने देखा इनके पास बहुमत की कमी हो गई, तो राष्ट्रपति ने कह दिया कि हाँ भाई जो राज्यपाल ने बोला है ऐसा ऐसा बात, तो अब यहाँ पे सरकार नहीं बन पाई है, अगर सरकार बनती है तो ये असंवैधानिक होगी। इस तरह का कुछ बैकग्राउंड रहा मेरे दोस्तों। अब देखिए आगे आते हैं, ये बैकग्राउंड आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब देखिए सब कारण क्या था ये केस होने का, कर्नाटका में राज्य सरकार का निलंबन। मैंने बता दिया 19 विधायक गए और 19 विधायक जाकर क्या किए कि राज्यपाल को वो लोग बोले कि हाँ सरकार ऐसा ऐसा बात है और हम जो ये सर जो अभी हमारी सरकार है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है, वो सही काम नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों जब हम लोग संविधान के दायरे में जाते हैं तो यहाँ अनुसूची 10 में दल बदल कानून के ऊपर भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, उससे रिलेटेड एक केस है, वहाँ भी बात करेंगे। दल बदल कानून में क्या होता है कि आप जब बने हैं किसी दल के, किसी पार्टी के थ्रू आप जब बने हैं, संसद सांसद बने हो या फिर विधायक बने हो, लेकिन आप उस पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में जा रहे हैं, तो उस छोड़ने के कारण को आपको पूरी तरह से बताना पड़ेगा कि क्यों आप छोड़ रहे हैं, और वो लीगल रहेगा तभी आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो दल बदल कानून के तहत आपकी सदस्यता को हटाया भी जा सकता है। तो वो दूसरा बात है, हम लोग नेक्स्ट केस में उसके बारे में बात करेंगे जब उससे रिलेटेड केस आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए फिर से समझते इस बात को। कर्नाटक में राज्य सरकार का निलंबन कर दिया गया क्योंकि वहां बहुमत खो चुकी थी सरकार, ठीक है। और याचिका दायर करने में क्या अब देखिए एसआर बम्बई साहब गए, देखिए यहाँ तो कर्नाटक सरकार ने का निलंबन हो गया, ठीक है। लेकिन अभी देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि वो जो 19 विधायक जो इस जनता दल पार्टी को छोड़ के जा चुके थे वो फिर से वापस आ गए। ये क्या है भाई, मजाक हो रहा है क्या? मजाक ही होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जब राजनीति की बात होती है तो ये राजनेता हमें कठपुतलियों की तरह नचाते हैं, जिस तरह इनका मन करता है उस तरह नचाते हैं। जब मैं आपको और भी केसेस बताऊंगा जैसे मिनर्वा मिल्स केस या फिर जो आपका मेनका गांधी केस और ये इंदिरा गांधी वर्सेज राज नारायणी केस, सबसे ज्यादा आपको तो इंदिरा गांधी वर्सेज राज नारायणी में पता चलेगा कि किस तरह इंदिरा गांधी ने पूरे भारत को अपने हाथों की कठपुतली बना करके नचाया था। तो दोस्तों ये 19 विधायक फिर से वापस आ गए, अब बोलते हैं कि भाई साहब जो अविश्वास प्रस्ताव पत्र जो हम लोगों ने दिया है राज्यपाल के पास वो हमारे हस्ताक्षर नहीं, उसमें जो हस्ताक्षर वो फर्जी है। ये क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है क्या? मतलब कल को आपने इस्तीफा दिया और फिर आज आप आकर कहते हैं कि वो इस्तीफा हमने नहीं दिया, वो मजाक था, वो फर्जी दस्तखत है। और उसके बाद ऐसा साबित हुआ तो जो राष्ट्रपति जो राज्यपाल वो मान लिए इस बात को और फिर से जनता दल की पार्टी बन गई। ये तो वहाँ कहानी रहा। अब ये निलंबन हो गया राज्य सरकार का, याचिका दायर ये की गई कि आर्टिकल 356, मेरे प्यारे दोस्तों ये आर्टिकल 356 का अनुचित रूप से प्रयोग। अब ये क्या है भाई साहब, समझ लीजिए आर्टिकल 356 में लिखा, देखिए हमारे संविधान में तीन तरह के आपातकाल की स्थिति को बताया गया है, एक वित्तीय आपात, एक राष्ट्रीय आपात और दूसरा राष्ट्रपति शासन। तो ये 365 जो है वो राष्ट्रपति शासन है, मैं ब्रीफ में बता देता हूँ तीनों को। देखिए आर्टिकल 352 में क्या है, आर्टिकल 352 में है नेशनल इमरजेंसी मतलब राष्ट्रीय आपात, ठीक है। आर्टिकल 356 में हो गया स्टेट इमरजेंसी यानी राज्य आपात, और आर्टिकल 360 में हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी क्या, वित्तीय आपात, ठीक ना। अब देखिए इसका बात किया गया यहाँ पे 356 का, अब बोला 356 का अनुचित रूप से प्रयोग कर रहा है, कैसे भाई? 356 में लिखा गया है कि यदि किसी राज्य के सरकार की बहुमत खोती है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन अगर ऐसा करते हैं राष्ट्रपति तो किस तरह से यह अनुचित हुआ? अनुचित राष्ट्रपति शासन लागू होना नहीं है, अनुचित है जिस तरह से राष्ट्रपति शासन लागू करवाया गया वो तरीका। कैसे वो तरीका अनुचित है, आइए मेरे प्यारे दोस्तों आगे समझते हैं। देखिए अब वहां क्या हुआ एक बात बता दे रहे, अब इसके बाद ये तो याचिका हो गया, ये कारण हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या तर्क था वो बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दो बात कही,
एक तो संघात्मकता की विवेचना की कि संघात्मकता किसे कहते हैं, यानी फेडरलिज्म, ठीक ना, सॉरी फेडरलिज्म बोल रहे हैं, यूनियन, यूनियन क्या है, ठीक ना, एज वी नो दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत जो है राज्यों का संघ है, तो ये संघ की संघात्मकता को विवेचना कर किया था इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने। और दूसरा था राष्ट्रपति शासन लगाने की कुछ शर्तें, ये रखी गई थी, ये क्या थी पहले समझ लेते हैं, पहले इससे हम लोग शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति शासन लगाने की कुछ शर्तें से। अब बात क्या है कि इस समय क्या हुआ था कि राज्यपाल लिख करके दे दिए राष्ट्रपति को कि हाँ भाई साहब यहाँ पे ऐसा ऐसा कंडीशन है, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, तो वहां लग जा रहा था। लेकिन ये बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कोई भी ऐसी स्थिति, तो दोस्तों इस बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे राष्ट्रपति शासन लगाने की कुछ शर्तें। ये क्या थी शर्तें, किसी सरकार का बहुमत साबित करना हो या सरकार का समर्थन वापस लेना हो, इसके लिए विधानसभा में शक्ति परीक्षण एकमात्र तरीका है, ना कि राज्यपाल की व्यक्तिगत राय। अब देखिए इसमें कुछ बातों को हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ जो ये कर्नाटका में राज्य सरकार की शक्ति का जो निलंबन हुआ वो हुआ था ये इस तरीके से, राज्यपाल की व्यक्तिगत राय, कुछ विधायक आए, उन्होंने कहा राज्यपाल को कि भाई साहब हमारा जो सरकार, हमारी जो पार्टी है वो तो बहुमत खो चुकी है, क्योंकि हम लोग 19 विधायक निकल चुके हैं। और इस बात पे राज्यपाल की अपनी व्यक्तिगत राय थी कि अब तो यहाँ पे असंवैधानिक रूप से सरकार बन रही है, इसलिए इसका निलंबन होना चाहिए, और इन्होंने राष्ट्रपति को बता दिया, राष्ट्रपति निलंबित कर दिए और राष्ट्रपति शासन वहाँ लग गया, ठीक है। लेकिन जब ये केस हुआ 1949 में, जब इसका क्या आया, जब इसका रिजल्ट आया, तब बोला गया कि विधानसभा में शक्ति परीक्षण एकमात्र तरीका, यदि आपको किसी सरकार का बहुमत साबित करना हो या फिर समर्थन वापस हो गया, ये दोनों में से कोई भी चीज साबित करना, आपको किसी सरकार का बहुमत साबित करना हो या किसी सरकार का समर्थन खत्म हो गया वो साबित करना हो, तो एकमात्र तरीका है कि विधानसभा में आप उस सरकार की, उस पार्टी का शक्ति परीक्षण कीजिए। शक्ति परीक्षण का मतलब क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वर्ड है जो शक्ति परीक्षण, ये क्या है, देखिए यदि आप विधानसभा में किसी प्रस्ताव को पेश करते हैं तो आपके जितने सीट हैं, यदि आप मान लीजिए एक विधानसभा जो कि 100 सीटों का है, उस पे 51 सीटों पे क्या बन रहा है, सरकार बन रहा है, और आप एक बिल पेश करते हैं, एक कानून पेश करते हैं अपने विधानसभा में, और कम से कम आपको उन 51 सदस्यों का क्या चाहिए, मंजूरी चाहिए होगा यदि बिल पेश होता है, यदि उस 51 में से 10 हट गए, 10 ने समर्थन नहीं दिया, तो इससे क्या साबित होता है कि आपके खुद के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, सॉरी जो आपके पार्टी के विधायक है, वो खुद आपके समर्थन में नहीं है, आपके विश्वास में नहीं है, तो इससे क्या साबित होता है कि अविश्वास का वहां पे पात्र बन जाता है वो पार्टी, वो सरकार, और ये असंवैधानिक होता है, ठीक ना। इसीलिए यदि आप किसी शक्ति परीक्षण, क्या हुआ कि आप देखिए अगर SR बम्बई वहां पे पेश करते, ठीक है, और वहां पे उनका शक्ति परीक्षण में उनके विधायक कम जाते वोट देने में कोई भी बिल को, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि 51 विधायक, 100 विधायकों का एक विधानसभा है जिसमें कोई बिल पारित करना है, तो आपको 51 में तो आपका सरकार बनेगा, तो कम से कम आपका 51 अपने खुद के आदमी आपको समर्थन देना चाहिए ना, अगर वो भी समर्थन नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो सरकार है वो अविश्वास पात्र में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सबसे अच्छा बात बोल दिया कि देखिए भाई, किसी का बहुमत साबित करना हो या किसी को निलंबित करना हो, सबसे पहले उसका शक्ति परीक्षण करा लीजिए, शक्ति परीक्षण के अलावा कोई और तरीका नहीं है। लेकिन SR बम्बई में क्या हुआ था कि राज्यपाल की व्यक्तिगत राय थी कि यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, तो ये यहाँ तक हो गया। अब इसको समझ लीजिए संघात्मकता की विवेचना, ये क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारत जो कि एक संघ है, राज्यों का एक संघ है, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक ना, जो कि आर्टिकल 1 में ही लिखा हुआ है, इसमें बताया गया है
कि यहाँ राज्य है जो कि केंद्र के नीचे है। देखिए यहाँ पे समझिए रफ डायग्राम, ये हमारा हो गया सेंटर, सेंटर ठीक ना, और इसके अंदर राज्य है ये छोटे 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 ठीक ना, ये छोटे छोटे क्या है, ये राज्य है, ये सेंटर हो गया, ये राज्य हो गया, यानी केंद्र, केंद्र और राज्य। अब देखिए केंद्र के अंदर राज्य आते हैं, केंद्र जो यूनियन है उसके अंदर राज्य आते हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार है उसका एजेंट नहीं होगा राज्य सरकार, मतलब केंद्र सरकार काम करने वाला राज्य सरकार नहीं होगा। समझिए मेरी बात को फिर से ध्यान से, मैं आसान तरीके से बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संघात्मकता का मतलब ये है कि संघ बनाना, संघ का मतलब क्या होता है, एक गठ मतलब एक यूनियन ठीक ना, एक ऑर्गेनाइजेशन, 10-5 व्यक्ति मिलकर के एक संघ बना सकते हैं, 150 व्यक्ति मिलकर एक संघ बना सकते हैं, और सही भारत इन 27 राज्यों से मिलकर के एक संघ बना है, लेकिन यहाँ पे बाकी सब देशों के संघ और भारत के संघ में कुछ डिफरेंस है। इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो संघात्मकता है, ये जो संघात्मकता है ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगी, तो ये डिपेंड करेगी उस जगह के मतलब उस राज्य के, राज्य मतलब क्या, उस देश के किन किन चीजों पे, वहां के भौगोलिक राजनीतिक एवं सामाजिक, भौगोलिक राजनीतिक सामाजिक इन सभी कारकों पे निर्भर करेगी कि वहां का संघात्मकता कैसे है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग दो जगह का, एक हमारा यूएसए और एक हमारा इंडिया, इनके बीच देखिए यूएस में भी फेडरेशन है, इंडिया में भी फेडरेशन है, लेकिन यहाँ इंडिया क्या है, इंडिया का जो संघात्मकता है वो क्वासी फेडरल है, मतलब अर्ध संघीय। यहाँ पे क्या है, फेडरल सिस्टम है, यहाँ पे क्वासी फेडरल है। देखिए यूएसए में 50 राज्य हैं, यूएसए के पास, अमेरिका के पास 50 राज्य हैं, 50 राज्य की अपनी संप्रभुता है, यानी जो केंद्र है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो संप्रभु है, यहाँ के हर एक राज्य संप्रभु है, यानी केंद्र का किसी तरह से पाबंदी नहीं है, वो अपना अलग संविधान चलाते हैं, अपना अलग झंडा रखते हैं, अपना अलग कानून बनाते हैं ठीक ना, यूएसए के जितने स्टेट्स हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया वन नेशन वन फ्लैग वन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के पास क्या है, One Nation, One Flag and One Constitution, मतलब भारत के पास एक झंडा है और वही केंद्र का झंडा सभी राज्यों के लिए झंडा है, तिरंगा हमारा, एक राष्ट्र है यानी भारत एक राष्ट्र सबके लिए, और क्या है, वन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी सभी राज्यों के लिए एक सेम संविधान है, अलग अलग नहीं है। इससे पहले कि इसमें अपवाद था जब 370 जब तक हटा नहीं था, वो हमारा J&K वाला जम्मू एंड कश्मीर में जब 370 लगा हुआ था तो वहाँ का अलग झंडा और वहाँ का अलग संविधान था, वो एक्सेप्शन था। तो समझ गया होंगे संघात्मकता को का विवेचना किया कि बाकी सब देशों से जो भारत है उसका जो संघात्मकता का व्यवस्था है वो बहुत ही अलग है, और ये संघात्मकता की व्यवस्था जो है वो किस पर निर्भर करती है, उस देश के भौगोलिक राजनीतिक और सामाजिक चीज़ों पे निर्भर करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अपने हद तक पूरी कोशिश की कि मैं आप लोगों को समझा सकूँ ये SR Bombay केस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड हैव अ नाइस डे। वेरी थैंक यू।